वहीं झांसी में भारत और रूस की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। झांसी के बबीना कैंट में दोनों देशों के एयरफोर्स और थल सेना के जवानों ने अपना जौहर दिखाया। दोनों देशों की वायुसेनाओं ने हवा में अपने उड़ान और युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। इसके साथ ही थल सेना के जवानों ने भी वो युद्धक टैंकों का प्रदर्शन कर अपनी युद्ध क्षमता दिखाई। झांसी में भारत और रूस सेना का दमखम। गरज से तोपों के आगे पस्त होगा दुश्मन। जंगे मैदान में पैरा ट्रूपर्स ने दिखाए करतब। कदम से कदम मिलाकर मैदान में दमखम दिखा रहे ये जवान दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। हिंदुस्तान पर आंख उठाकर देखने वाले देख लो भारत की ताकत का ट्रेलर। जंग के मैदान में जब भारत रूस की सेना एक साथ आगे बढ़ती है तो दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो, पलक झपकते ही उसका सफाया निश्चित है। आर्म फोर्सेस का बहुत गहरा संबंध है और ये जो एक्सरसाइज इंदिरा सीरीज जो चल रहा है ये 11वीं बार हो रहा है, पर ट्राई सर्विस आर्मी नेवी और एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज है पहली बार रशिया में 2017 में हुआ था, इंडिया में पहली बार 2019 में हो रहा है, जिसमें जो आर्मी कंटिंजेंट है वो ट्रेनिंग बबीना में करेगी, नेवी का जो कंटिंजेंट है गोवा में और एयरफोर्स का पुणे में। जमीन और आसमान से एक साथ अटैक की ये रणनीति वाकई काबिले तारीफ है। भारतीय पैरा ट्रूपर्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वायुसेना की आकाश गंगा टीम के सदस्यों ने 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पैराशूट से नीचे उतरते हुए तिरंगा ध्वज लहराया। अब जरा ये देखिए वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर्स की खेप ने आसमान में एक से एक हैरतअंगेज करतब दिखाने शुरू किए तो वहां मौजूद सभी दर्शक एक टूक आकाश निहारते रहे। जमीन से मात्र 50 मीटर की ऊंचाई पर एक दूसरे का आमना सामना हवा में कलाबाजियां, इंडिया के लिए आई की संरचना में उड़ान भरना, उड़ान भरते हुए दिल की संरचना बनाना दिखाया। कूटनीतिक नजदीकियों से आगे बढ़ते हुए भारत रूस आतंकवाद और दुश्मनों के खिलाफ साझा रणकौशल विकसित कर रहे हैं। भारत में पहली बार रूस की थल सेना, नौसेना और वायुसेना भारतीय समकक्ष के साथ युद्ध अभ्यास करने आई हैं। झांसी की बबीना छावनी में 10 दिवसीय संयुक्त युद्ध अभ्यास इंद्र 2019 का भव्य शुभारंभ हुआ। युद्ध अभ्यास इंद्र 2019 की शुरुआत 10 दिसंबर से हुई है। दोनों ही देशों का ये अभ्यास 19 दिसंबर तक चलेगा। अमित सोनी, झांसी, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।